हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इवेंट डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम पहले इवेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे इवेंट का डेफिनेशन लिख दिया है, तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट और आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम आर टर्म एज इवेंट। तो देखिए, और मतलब इन अनदर वर्ड, ठीक है। तो देखिए, हमें सैंपल स्पेस मिला, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज, ठीक है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल समझते पहले। अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें पॉसिबल आउटकम या जो सैंपल स्पेस है वो क्या मिल सकता है। कॉइन टॉस के लिए सैंपल स्पेस मिल सकता है हमें एस इक्वल टू हेट एंड टिल। तो देखिए, यहां पे सबसेट, इसका सबसेट क्या हो सकता है, इसका सबसेट हो सकता है ई वन हो सकता है हेट और ई टू हो सकता है टिल, ठीक ना। तो देखिए, यहां पे देखिए, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो हमारे यहां पे दो इवेंट मिले, और ऐसे देखिए, ये है मतलब टोटल सैंपल स्पेस, इसमें देखिए आउटकम्स, ठीक है, टर्म एज इवेंट। वैसे अगर हम एक डाई टॉस करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिल सकता है, हमें सैंपल स्पेस मिलेगा उस टाइम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमें इवेंट 1 से लेके 6 तक इवेंट मिलेगा, मतलब E1 इक्वल टू 1, ऐसे करके हमें 6 तक एक इवेंट मिलेगा। वैसे अगर हम लिखे कि सिर्फ ऑड नंबर ऑकर होने का हमें देखना है, तो ऑड नंबर हमें कैसे मिल सकता है, हम यहाँ पे ऑड नंबर निकाल सकते हैं, ऑड नंबर इक्वल टू 1 3 5। वैसे अगर इवेंट नंबर हमें निकालना है तो हमें मिलेगा 2 4 6। तो देखिए, ये जो हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, हम इसको भी इवेंट कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन ऑफ इवेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट लिख दिया है, तो हम पे क्या पढ़ लेते हैं। इवेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट दे हैव, ठीक है। एलिमेंट के बेसिस पर इवेंट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया जाए। तो देखिए, यहां पे हमने 10 क्लासिफिकेशन लिख दिया है। एक है इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कॉम्पाउंड इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए बट नॉट बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अभी हम इन सब की डेफिनेशन देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट से, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो इवेंट लिख दिए, एक है इम्पॉसिबल इवेंट और एक है श्योर इवेंट। पहले हम इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। An event that cannot be happen, such an event is called impossible event. तो मान लीजिए, हमने एक डाई टॉस किया है, डाई रोल करने के बाद हमने मतलब ऐसा एक इवेंट चाहिए जिसमें 10 आने का देखना है हमें। अभी मैं चाहिए कि 10 क्या आ सकता है, 10 नहीं आ सकता है। तो देखिए, अगर हम एक डाई रोल करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, हमें 1 से लेकर 6 तक मिल सकता है। तो वहां पे हमें 10 वैसा कोई मतलब 10 नंबर नहीं मिल सकता है, तो ऐसा कोई इवेंट नहीं हो सकता है। तो वैसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो दूसरा है वो कौन सा है, श्योर इवेंट। एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट कैसे है, श्योर इवेंट है कि मान लीजिए कि मैंने पूछा कि एक इवेंट है जिसने 7 मतलब एक डाई रोल किया और जो नंबर मिलेगा वो 7 से बिलो मिलेगा। तो देखिए, यहां पे तो सभी नंबर 7 से बिलो है, तो वो सर्टेन है, मतलब वो होगा ही। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट का बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। तो उम्मीद करते हो कोई इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट समझ में आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो इवेंट के लिख दिए, एक है सिंपल इवेंट और एक है कॉम्पाउंड इवेंट। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंटरी इवेंट, ठीक है। तो हम वो डाई के एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। तो मान लीजिए, हमने एक डाई टॉस किया तो हमें सैंपल स्पेस मिलेगा 1 से लेके 6 तक, हमें 1 से लेके 6 तक मिलेगा सैंपल स्पेस। तो देखिए, और हमने पूछा है कि एक इवेंट की 5 के मल्टीपल आएगा, तो 5 के मल्टीपल यहां से कौन है, 5 है। तो देखिए, सैंपल स्पेस को क्या हो गया हमारे इवेंट का, वो 5 हो गया। तो ये जो सैंपल, ये जो इवेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है। इसका नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इन अ सैंपल स्पेस कॉन्टेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट देयर आर एग्जैक्टली एन सिंपल इवेंट।
तो देखिए यहां पे देखिए सिक्स इवेंट है, सिक्स यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इवेंट है, एलिमेंट है, तो यहां पे सिक्स डिस्टिंक्ट इवेंट मिलेगा। तो यहां पे हमें 1 2 3 4 5 6 यहां पे सिक्स हमें सिंपल इवेंट मिलेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि जितने मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उतने सिंपल इवेंट हमें मिलेंगे। तो इसका देखिए कंपाउंड एलिमेंट, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड एन कंपाउंड इवेंट। तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ऑड का, ऑड में देखिए ऑड में कौन कौन से नंबर मिले थे, हमें ऑड में मिला था 1 3 5, ठीक है। तो ये जो गया कंपाउंड इवेंट है, मोर देन वन सैंपल पॉइंट है, ठीक है। और जैसे अगर हम इवेंट का मिलेंगे उसमें भी मोर देन वन है तो वो भी कंपाउंड होगा। देखिए सिंपल में एक रहता है, एक ही सैंपल पॉइंट, कंपाउंड में मोर देन वन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट जो है वो लिख दिया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए एंड बी, द इवेंट ए बट नॉट बी। तो ठीक है हम पहले इसको पढ़ेंगे, इसका उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए पहला क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग अनदर इवेंट ए डैश। देखिए ए ऐसे यहाँ पे स्लैश दिख दिया गया, ऊपर ऐसे दिया जाता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। सच एन इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नॉट ए, सच एन इवेंट इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो मान लीजिए कि हम वेन डायग्राम समझते हैं, तो देखिए वेन डायग्राम में ये हो गया सैंपल स्पेस, यहाँ पे ए जो है वो ए है, तो इस पोर्शन को छोड़ के ये बाकी जो पूरा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ही है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए एक सैंपल स्पेस लेते हैं हम एस, जिसमें डाई की जो है वो ही दिया हुआ है सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक। तो देखिए अगर ए जो है वो ऑड है, ए जो है हमारा वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो देखिए ऑड नंबर होगा तो वो 1 से 1 3 5 होगा, तो अभी जो देखिए ए नॉट होगा मतलब ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट क्या होगा, ए नॉट 1 3 5 कुछ होगा, बाकी जो पॉइंट है वो होगा मतलब 2 4 6 होगा, 2 4 6। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2 4 6, तो ये हो गया एक ए और ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट या नॉट ए, ठीक है। मतलब जब भी हम नॉट ए लिखेंगे तो ए में जितने पॉइंट है सैंपल पॉइंट है उसको छोड़ के सैंपल से जितने पॉइंट होंगे सभी ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा इवेंट है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हो गया वेन डायग्राम, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो यहां पे क्या बोला ए और बी, इसमें क्या बोला इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इसको कैसे डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, यहां पे जो ऐसे साइन है इसको यूनियन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन, यूनियन यूनियन बी, इट मीन्स एलिमेंट प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी। तो मान लीजिए हम यहां पे सैंपल स्पेस ले रहे थे, सैंपल स्पेस हम डाई रूलिंग का जो सैंपल स्पेस हम वो ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक इवेंट लिया ऑड नंबर का, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर के इवेंट में कौन कौन से आएंगे, ऑड नंबर में आएगा 1 3 5, ऑड नंबर में आएंगे, और बी जो इवेंट है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, बी जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में कौन से आएंगे 2 3 5। देखिए यहां पे आप ध्यान से पढ़िए, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एलिमेंट प्रेजेंट आइदर इन ए और बी। तो मतलब यहां पे देखिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ए और बी में से किसी एक में अगर होगा तो ही हम उसको ए और बी कहेंगे। तो देखिए ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी में होगा। देखिए यहां पे वन है, यहां पे टू है तो टू है, यहां पे थ्री दोनों में है, और यहां पे फाइव है। तो मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा ही होगा ए यूनियन बी में होगा, ठीक है। द एलिमेंट ए और बी का मतलब है कि जो एलिमेंट होगा वो ए में होगा तब भी वो इसमें इंक्लूड होगा, और बी में होगा तब भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, किसी एक में होने से इसमें इंक्लूड होगा, ये आप कह सकते हैं एटलीस्ट वन केस है ये, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा है, द इवेंट ए एंड बी। तो देखिए इवेंट ए और बी इसको किसे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है उल्टा यू, इसको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसमें कौन से पोर्शन आते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी। तो जो हम लास्ट एग्जाम्पल लिए थे हम वही को लेंगे। देखिए हमने वही एग्जाम्पल लिया है, सैंपल स्पेस डायटॉस का लिया हम, डाई रोल करने का। ए जो है वो ऑड नंबर है, बी जो है प्राइम नंबर है, तो ऑड नंबर में 135 होगा और प्राइम नंबर में 235 होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पोर्शन डिनोट होता है वो होता है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब ए जो पोर्शन है, मतलब ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो इनमें हमें कॉमन लिखना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन आएगा जिसमें ए में भी एलिमेंट है। ए में देखिए 3 है, देखिए पहले देखते हैं 1 देखते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। इसमें 3 है इसमें 3 है, इसमें 5 है इसमें 5 है, तो होगा 3 एंड 5, ठीक है। देखिए हम ए ए एंड बी में हम वही एलिमेंट इंक्लूड करेंगे जिसमें जो दोनों में है, ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो एलिमेंट है द एलिमेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए इसको किसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है, एलिमेंट है कि इट मीन्स एलिमेंट प्रेजेंट प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। एलिमेंट ए में प्रेजेंट है पर बी में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए इसको क्या आप मतलब ऐसे समझिए आप कि ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होगा। तो इसमें देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पे सेम एग्जांपल है, तो ए माइनस बी में वही एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में है पर बी में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 ए में है पर बी में नहीं है, तो वो इंक्लूड होगा। इसका देखिए 3 ए में भी है बी में भी है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। 5 ए में है और बी में है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। देखिए ठीक है, तो ए माइनस बी आ गया। आप इसको और एक तरीके समझ सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं ए में जितने एलिमेंट है माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये मतलब वही है कि देखिए इंटरसेक्शन में जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अभी तक इतना ज्यादा आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट देखे वीडियो में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको फेसबुक को देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।